एक नया पर्सपेक्टिव गवर्नेंस का जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ वो गुड गवर्नेंस का था. गुड गवर्नेंस की टर्मिनोलॉजी आजकल के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मिलती है, और आप फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट के रेफरेंस से जितनी भी बातें सुनते हैं या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट सुनते हैं, तो उसमें गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड बैंक. सो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी जो थी वो वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई. वर्ल्ड बैंक जो है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड भी करता है डेवलपिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली. सो वहाँ पे जो गवर्नेंस का स्टाइल या मैनेजमेंट का स्टाइल था वो डिफरेंट था, और जब वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे फंड करना शुरू किया तो वो एक नया मैनेजीरियल स्टाइल जो है वो अपने साथ लेके आया, और उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में उसको इंट्रोड्यूस करवाया. तो ये जो एस्पेक्ट था उसके रेफरेंस से गुड गवर्नेंस की टर्मिनोलॉजी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सुनने में भी आती है और इस्तेमाल में भी आती है. सो गुड गवर्नेंस के जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें एफिशिएंट पब्लिक सर्विस है कि लोगों को पब्लिक, ये दिस इज़ द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इन द गवर्नेंस, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे, क्वालिटी ओरिएंटेड हो और उनको अच्छे तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंचाए. उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का वो इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम है. इसके मुताबिक आपका जो लीगल सिस्टम है या उसके जो जितने भी लीगल एक्टर्स हैं उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट के रेफरेंस से भी और पीसफुल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करने के लिए. अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर, और वो इस तरह से है कि आप जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं सो उसमें इकोनॉमिक ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस या उनकी जनरेशन की बात करते हैं. सो ये सारा एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होता है और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस एंटरप्राइजेज उसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती हैं या आना पसंद करती हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं जहाँ पर पीसफुल हो, पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी और प्रडिक्टेबिलिटी होगी. अदरवाइज वहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो जाती है और आपको एनार्की वाली जो सोसाइटीज़ होती हैं या जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा, सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होगा, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती. सो वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक पर्पस था प्रोजेक्ट्स को फंड करने का वो डेवलपमेंट का था. सो उस डेवलपमेंट के लिए पीस को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था. सो गुड गवर्नेंस जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम को बहुत फोकस करती है और उसके एफिशिएंट होने पे बहुत जोर देती है, क्योंकि ये वो फीचर है जो किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है या स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकता है. उसके अलावा अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो अकाउंटेबिलिटी ही होता है. सो अकाउंटेबिलिटी को एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना और इफ़ेक्टिव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से. अब अगर हम अकाउंटेबिलिटी को देखें तो लीगल सिस्टम मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर उसको जो है वो ऑपरेट करता है या उसके डिफरेंट लेवल्स हैं जो लीगल सिस्टम के साथ लिंक होते हैं, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और दूसरी तरफ लीगल सिस्टम को भी उतना एफिशिएंटली काम करना चाहिए. सो अगर हम इन सारे फीचर्स को देखें तो दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और अगर आप एक सिस्टम को बेहतर करेंगे या एक फीचर को बेहतर बनाएंगे तो दूसरा फीचर भी बेहतर होता जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट पब्लिक ऑडिटर का है, क्योंकि जो एक नया रोल गवर्नमेंट का या स्टेट का इमर्ज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्टेयरिंग रोल था या रेगुलेशन का था या कंट्रोलर का था. सो उस रेफरेंस से उसका ऑडिटर का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो अकाउंटेबिलिटी को या ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है. सो गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में ऑडिटिंग के ऊपर और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया. उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ऑब्वियसली अगर आप जुडिशल सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इन सब चीज़ों को बेहतर करते हैं किसी भी सोसाइटी या इन्वायरमेंट में तो उसके नतीजे में रूल ऑफ लॉ आपको सोसाइटी में नज़र आएगा और एनार्की जो है वो नहीं होगी.
रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, अगर आप लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, और ये सब तभी पॉसिबल है अगर आपका अकाउंटेबिलिटी और आपका जो लीगल सिस्टम या जुडिशल सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा, तो लोग अगर वॉयलेशन करेंगे तो उनको उनकी सजाएं मिलेंगी, और उनको इस बात का पता होगा कि अगर वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या किसी के जो हकूक हैं उनको सल्ब करते हैं, तो उनको उसके ऊपर लीगल सिस्टम जो है वो एक्शन में आएगा और उसको जो है वो सज़ा मिलेगी। इस चीज़ को अगर इंश्योर किया जाए किसी भी सोसाइटी में, तो फिर एक रिस्पेक्ट ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो आपको एज एन आउटकम जो है वो वहाँ पर नज़र आता है। प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो इम्पॉर्टेंट काम स्टेट ने या गवर्नमेंट ने किया वो ये था कि डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया डिफरेंट फंक्शंस में, और उनका जो डिफरेंट सेक्टर्स का रोल था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता गया। इस वजह से प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी इवॉल्व हुआ इन दिस परस्पेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि उसमें हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले करता था, और उसके नतीजे में उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता था और एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट भी करना पड़ता था। तो उस वजह से एक प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ, और गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है। फ्री मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गुड गवर्नेंस परस्पेक्टिव। सो फ्री मीडिया जो है वो बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर कंसिडर होता है अब स्टेट का, और उसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो ये एक एज अ वॉच डॉग भी काम करता है, जो लोगों के राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाता है, गवर्नमेंट की गलत या उनकी जो मैल फंक्शनिंग है उसको भी आइडेंटिफाई करता है, और लोगों के ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव को लोगों तक कम्युनिकेट करता है। सो बेसिकली इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन बोथ एंड्स। सो जो फ्री मीडिया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर में। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर का है। सो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर जो है वो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन द परस्पेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि जब आप इतने एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं फंक्शंस में, और उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है जो स्टेट सपोर्टेड होना चाहिए या स्टेट बैक्ड होना चाहिए, और वो स्टेट सिर्फ लेजिस्लेशन के थ्रू ही कर सकती है, या उसका जो लॉ मेकिंग है वो ही उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। सो एक रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। Leftwich has identified three components of good governance. Number one is systematic. According to systematic component, it includes the distribution of internal and external political and economic powers. According to the second component of good governance, that is the political component, and it includes the legitimacy and authority of state derived from democratic mandate. And the third component is administrative component, and it includes the competent bureaucracy for designing and implementing the effective policies. So Leftwich ne good governance ke ye teen different aspect jo hain ya angles jo hain wo identify kiye, jisme systematic, political aur administrative angles hain, aur unke mutabik government ke wo teen major roles in angles mein cover hote hain. एक रोल तो यही है कि वो किस तरह से इलेक्ट और सिलेक्ट होती है, जो उसका डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है, और वो डेमोक्रेटिक मैंडेट उसको वो अथॉरिटी देता है जिसकी वजह से वो ऑपरेट करती है या अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। और फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल आता है जो पॉलिसी मेकिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करता है, और तीसरा एंगल जो है वो सिस्टमैटिक है, जिसमें पावर मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और बैलेंसिंग बिटवीन द पावर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को यूटिलाइज करके जो उसको डेमोक्रेटिक मैंडेट से मिली होती है वो उन चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करती है। सो ये गुड गवर्नेंस के डिफरेंट फीचर्स हैं जो या कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं। सो गुड गवर्नेंस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड लिबरल डेमोक्रेसी। आपने ये जितने सारे फीचर्स देखे उससे ये अंदाज़ा होता है कि इसमें बहुत से वही एलिमेंट हैं जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस हुए या इवॉल्व हुए, और उसके साथ जो एक एडिशनल फीचर है गुड गवर्नेंस में वो लिबरल डेमोक्रेसी का है, क्योंकि हमने उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की या मीडिया की बात की,
रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की, रिस्पेक्ट फॉर लॉ की बात की. सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज ने इंट्रोड्यूस करवाए. सो अगर हम गुड गवर्नेंस को जो है वो वन लाइन में आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें, तो इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड लिबरल डेमोक्रेसी.